सो हे गाइस, दिस इज अवनीश एंड वेलकम टू माय चैनल टेक टर्मिनल। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा डेल इंस्पिरॉन 5402 के कंप्लीट ओवरव्यू, उसके फीचर्स, स्पेक्स और जितने भी प्राइस एंड ऑफर्स के रिलेटेड डिटेल्स हैं, मैं सभी आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। अगर बात करें यहां पर वेरिएंट के बारे में, तो यहां पर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक है i3 प्रोसेसर, एक है i5 प्रोसेसर और एक है i7 प्रोसेसर। लेकिन अभी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर i5 और i7 प्रोसेसर यहां पर अभी करेंट में अवेलेबल है। सो गाइज, यहाँ पर आपको 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो अगर बात करें i5 प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ i5 प्रोसेसर के स्पेक्स। अगर लिथोग्राफी के बारे में बात करें, मतलब जो प्रोसेसर का फैब्रिकेशन वर्क है वो कंप्लीट हुआ है अभी यहाँ पर 10 नैनोमीटर के सुपर फाइन टेक्नोलॉजी से। और नंबर ऑफ कोर्स है 4, नंबर ऑफ थ्रेड्स है 8। वही इस लैपटॉप का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है 2.4 GHz और मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको 4.20 GHz तक देखने को मिल जाएगा। अगर कैच मेमोरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 8 MB का कैच मेमोरी देखने को मिल जाता है। वही इस लैपटॉप का बस स्पीड है 4 GT/s एंड TDP देखा जाए तो वो है 12W। TDP जितना ज़्यादा कम रहता है, उतना कम हमारे यहाँ पर लैपटॉप बैटरी कंज्यूम करता है। यहाँ पर आपको दो ग्राफिक्स का वेरिएंट देखने को मिलता है, एक तो डेडिकेटेड, एक इंटीग्रेटेड। डेडिकेटेड में यहाँ पर आपको NVIDIA का GeForce MX 330 देखने को मिलता है, वही इंटीग्रेटेड में इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इससे आप नॉर्मल गेमिंग, वॉचिंग और AI से रिलेटेड जितना वर्क है, डेटा साइंस से रिलेटेड वर्क, कोडिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर NVIDIA GeForce MX 330 ग्राफिक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट्स, कोर सेडर्स 384 देखने को मिल जाता है। इस ग्राफिक्स का मेमोरी बस विड्थ है 64 बिट। अगर बात करें यहाँ पर मेमोरी टाइप का, तो यहाँ पर आपको GDDR5 टाइप का मेमोरी देखने को मिल जाता है। वही वीडियो मेमोरी स्पीड है इस ग्राफिक्स का 700 MHz। और बात करें भी यहाँ पर कितने GB का आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको 2 GB का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं इस लैपटॉप के स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर आपको 512 GB का M.2 PCIe NVMe SSD का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। अगर बात करें कितने GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा स्लॉट दिए गए हैं। दोनों में आप 512 GB तक का यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और सेकंड स्लॉट में आप इंटेल का ऑप्टेन मेमोरी S10 भी लगा सकते हैं, जिससे जो आपका बूटिंग टाइम है ये सब बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस लैपटॉप का मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8 GB सिंगल चैनल DDR4 रैम का सपोर्ट दिया गया है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz। और मेमोरी स्लॉट्स कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपको 2 मेमोरी स्लॉट्स देखने को मिल जाता है। वही आप इस लैपटॉप में टोटल 32 GB तक का आप मेमोरी लगा सकते हैं। और मिनिमम मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है 4, मतलब आप पर स्लॉट में मिनिमम 4 GB का मेमोरी लगा सकते हैं और हाईएस्ट में आप 16 GB तक यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आप मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्टेड क्या है। तो यहाँ पर आप एक 4 GB का लगा सकते हैं, या 4 GB का 2 लगा सकते हैं, या 8 GB का 1 लगा सकते हैं, या एक 12 GB का लगा सकते हैं, एक 4 GB का लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत से सपोर्ट दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर स्लॉट वर्सेस चैनल के बारे में, क्योंकि ये लैपटॉप सिंगल चैनल है। तो स्लॉट क्या रहता है भैया, जहाँ पर हम मेमोरी मॉड्यूल प्लेस करते हैं, मतलब कितना हम रैम लगा सकते हैं। लेकिन चैनल क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ रहता है जो प्रोसेसर से कनेक्ट रहता है। और जितना ज़्यादा चैनल रहता है, जैसे डुअल चैनल है तो 2 चैनल ज्वाइन रहते हैं अपने प्रोसेसर से। और बैंडविड्थ, मतलब जितना डेटा ट्रांसफ़र होता है, सिंगल चैनल में 8 बाइट होता है, उसको ड्यूअल चैनल में 16 बिट तक कर देता है, जिससे हमारा जो लैपटॉप का रियल टाइम परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी वर्क करते टाइम हमको लैग वगैरह देखने को कम मिलता है। डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी लैपटॉप की बात होती है। यहाँ पर आपको 14 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसमें आपको न्यूमेरिक पैड का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये 14 इंच का लैपटॉप है। अगर डिस्प्ले टाइप के बारे में बात करें, तो यहाँ पर वाइड व्यूविंग एंगल आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की रिजोल्वेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 1920x1080 पिक्सल का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर आपको फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भैया बात कर लेते हैं डिस्प्ले के लुमिनियंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 300 nits का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कलर गैमेट है 72% NTSC,
तो बिल्कुल अच्छा आपको व्यूइंग एंगल देखने को मिलेगा इस 72% एंटी एसी से। और हाइट कुछ यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अगर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वही इस डिस्प्ले का पिक्सल पिच है 0.16 मिलीमीटर। सो गाइज अब देख लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है 64 बिट। अगर वेट के बारे में बात करें इस लैपटॉप को तो आपको 1.43 केजी का वेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो कलर्स दिया गया है, एक प्लैटिनम सिल्वर एक एडन करके। और अगर बात करें लैपटॉप के एक्सटीरियर चेसिस मटेरियल के बारे में तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का बिल्डअप देखने को मिल जाएगा। बाकी नेटवर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वायरलेस लैन का सपोर्ट दिया गया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इनबिल्ट माइक्रोफोन का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, वेबकैम भी है। यहाँ पर स्पीकर्स में डुअल स्पीकर्स दिया गया है जिससे आपका मोशन वेव से जो स्पीकर्स है उसको इन्हेंस किया जाता है ऑडियो को। एक सॉफ्टवेयर है जिससे आपको अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। डेल के लैपटॉप में एक ही ड्रॉबैक लगता है कि इसके स्पीकर्स बॉटम साइड में रहता है, मतलब नीचे साइड, जिससे आवाज़ उतना ज़्यादा इन्हेंस होकर नहीं आ पाता, दब जाता है आवाज़। ये मैंने पर्सनली फील किया है। अगर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट नंबर में पावर एडाप्टर पोर्ट है, सेकंड में पोर्ट तो नहीं, यहाँ पर बैटरी स्टेटस लाइट है जहाँ पर आपको कुछ इंडिकेट करता है बैटरी कितना है। थर्ड नंबर में बात करें तो आपको HDMI पोर्ट यहाँ पर दिया गया जिससे आप अपने प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी से इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। वही फोर्थ नंबर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है USB 3.2 Gen 1 पोर्ट जो कि नॉर्मल 5GB पर सेकंड तक का डेटा ट्रांसफर करेगा। और फिफ्थ नंबर में यहाँ पर आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विथ पावर डिलीवरी / डिस्प्ले पोर्ट। यहाँ से आप पावर डिलीवरी या डिस्प्ले पोर्ट के रूप में भी ये पोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर राइट साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। वही सेकंड नंबर है, फिर से हमको एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट दिया गया जिससे आप 5GB पर सेकंड तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड नंबर में हमको दिया गया हेडसेट पोर्ट। सो अगर इस लैपटॉप के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4 सेल बैटरी का सपोर्ट दिया गया है जो कि 53 WHR है और 65 वॉट का एडाप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे में अपने लैपटॉप को फुली चार्ज कर सकते हैं। और 4 सेल बैटरी है तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा 4 to 6 hours। इस लैपटॉप के कुछ खास फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 11 जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। सीमलेस और स्मूथ परफॉर्मेंस इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट परफॉर्मेंस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें आप अपना SSD है, कंप्लीट SSD लैपटॉप है और आप 1 TB तक का भी SSD यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं तो आपको स्टोरेज से रिगार्डिंग कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। टाइप सी पोर्ट दिया गया है जो कि एक एडवांटेज है, यहाँ से आप पावर डिलीवरी चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करें कुछ और खास फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें डेल एक्सप्रेस चार्ज का सिस्टम दिया गया है जिससे आप 60 मिनट में अपने लैपटॉप को 80% तक का चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेल पावर मैनेजर में जाके एक्सप्रेस चार्ज सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब तक नीड ना हो आप एक्सप्रेस चार्ज का कम से कम यूज़ कीजिए। यहाँ पर पावर लीड सेंसर दिया गया जिससे आप अपने लैपटॉप को जैसे ही ओपन करेंगे आपका लैपटॉप यहाँ पर बूट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको लैपटॉप एडाप्टर पावर केबल यूज़र मैनुअल और आपको डेल का लैपटॉप बैग देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं इस लैपटॉप के फाइनल प्राइस के बारे में। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो जो डेल इंस्पिरॉन 5402 है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है उसका प्राइस यहाँ पर है 59,989 रुपीज़। वही डेल इंस्पिरॉन 5402 जो कि NVIDIA GeForce MX 330 ग्राफिक्स के साथ आता है उसका प्राइस यहाँ पर रखा गया है 71,990 रुपीज़। वही i7 प्रोसेसर विथ NVIDIA GeForce MX 330 ग्राफिक्स वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 80,989 रुपीज़। तो यहाँ पर सभी जितने भी लैपटॉप है उसमें आपको 8GB रैम और 512GB SSD देखने को मिलेगा। सो गाइस ये लैपटॉप में आपको बहुत से ऑफर्स देखने को मिल जाता है। पहला ऑफर यहाँ पर आता है, आपको डेल UPI पेमेंट ऑफर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1000 का इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिल जाएगा अगर आप पे करते हैं UPI से।
सेकंड यहाँ पर ऑफर देखने को मिलता है गेट डिजिटल कैश कार्ड वर्थ 2000। आपको 2000 का डिजिटल यहाँ पर कैश कार्ड देखने को मिल जाएगा। आपको जैसे ही आपका लैपटॉप का इनवॉइस जनरेट होगा आपको 15 डेज के अंदर DellOffers.in में आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। देन आपको डिजिटल कैश कार्ड देखने को मिल जाएगा डेल के तरफ से। यहाँ पर एक और ऑफर है कि आपको एमएस ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2019 बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, जिसका भी प्राइस है 5990। और आप साथ में Alienware हेडसेट ले सकते हैं ओनली एट द रुपीज़ 999। तो यहाँ पर बहुत से अच्छे ऑफर चल रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अवेल कीजिए। यहाँ पर आपको एक वारंटी अपग्रेड का ऑफर चल रहा है, आप 3 इयर्स का एक्सटेंड करा सकते हैं वारंटी ओनली एट द रुपीज़ 1699 रुपीज़। अगर आपका बजट है 60,000 तक और आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप विदाउट ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आपका ठीक ठाक काम कर देगा, इंटेल का आयरिस ग्राफिक्स। सो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, आप ये लैपटॉप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 11 जनरेशन का प्रोसेसर है और बहुत से कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।